बिहार राज्य के गया जिला के बैरगंज प्रखंड के कैलाशपुर गांव में लगभग 400 परिवार निवास करते हैं। यहां पर 15 साल से पानी की समस्या है, क्योंकि चापाकल से काला पानी निकलता है जो पीने लायक नहीं है, और कुआं भी है तो कभी भी गिर सकता है। दिक्कत है कि पानी नहीं मिल रहा, कुआं सूख जाता है, दुए को कुएं है और चापाकल दू ठो है, चापाकल के पानी सही नहीं। चापाकल का पानी निकलता है वो बर्तन में रखने पर पीला पड़ जाता है, तो उस पानी को हम लोग नहीं यूज करते हैं पीने में। कुआं भसल जा रहा है, बरसात से पहले कुआं सूख जाएगा। अगर एक कुआं भर जाएगा तो आप कहाँ से पानी लाइएगा? एक कुआं भर जाएगा तो जाएगा दूसरा बस्ती बेरारीपुर लाने के लिए। लाने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। इससे आपको दिक्कत क्या होगा? दिक्कत होगा कि बाल बच्चा के स्कूल नहीं पकड़ाएगा सर टाइम पर, और परिवार के कमाने खाने वाला आदमी के टाइम नहीं पकड़ाएगा कमाने के लिए, कैसे जाएगा काम करने के लिए। तो इसके लिए आप कहें किसी को बोले थे? हाँ, बोले तो हैं मुखिया से पहले भी कि ये जो भाषा जा रहा है कुआं वो बना दीजिए, तो बोले इसके लिए नई योजना पारित करना पड़ेगा, इसलिए नहीं बन रहा। मैं चाहता हूँ कि बजगंज प्रखंड के कैलाशपुर गांव में जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान किया जाए, ताकि रीता देवी की तरह और भी ग्रामीणों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुखिया कलीम खान का मोबाइल नंबर 9973-9625-21 पर कॉल करके उन पर दबाव बनाएं। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडिया नहर के लिए।